हे दोस्तों, मैं हूं शिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा साड़ी का कलेक्शन शेयर करने वाली हूं। और इस तरह का कलेक्शन है जो काफी ज्यादा डिमांडिंग रहता है, क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है, फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो कुछ ऐसे पीसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। और आज का जो मेरा कलेक्शन है ना, ये ब्रांडेड है। मतलब जो साड़ी है ये मैंने पिक की है छाबरा 555 की। काफी अच्छी इनकी क्वालिटी है, रेंज वाइज अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। सो यस, डिटेलिंग आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगी। पूरी ही वीडियो चेक कीजिएगा जिससे कि हर एक चीज आपको पता चल जाए। अच्छा, साड़ी के जो कलर है ना, मतलब मैंने ब्राइट दो कलर तो काफी ब्राइट पिक किया है। फर्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ रेड कलर की साड़ी। फैब्रिक इसका सिल्क है, बहुत अच्छा इसका फैब्रिक है। अच्छा, एक चीज मैं पहले ही क्लियर करना चाहूंगी कि इस तरह की साड़ी जो आपको प्रॉपर मतलब प्लेट्स वगैरह सेट करके पहननी होगी, क्योंकि सिल्क में अगर हम बात करें ना, तो जब एक बार प्लेट सेट हो जाती है तो एज इट इज रहती है। तो हाँ, इसको आपको सेट करके पहनना होगा। ब्रांड है इसका छाबरा 555। बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही कंफर्टेबल साड़ी है। रेंज वाइज एक मस्ट हैव पीस है। अगर आपकी शादी है या आपके घर में कोई शादी है या फिर फेस्टिवल्स के लिए, आप इस पीस को जरूर ट्राई कर सकते हो। ट्राई ऑन में आपको बहुत ही लंबा सा पल्लू दिखेगा। तो रीजन ये है कि जिसका ब्लाउज है ना, वो पल्लू साइड अटैच था, कट में नहीं कर सकती थी, तो मैंने ऐसे उसको पहन लिया। अब आप ये देखो, ब्लाउज पीस की अगर मैं बात करूं तो ये इसका ब्लाउज पीस है। 1 मीटर से कहीं ज्यादा इसका ब्लाउज पीस है। दुबले पतले से होना, तो फुल स्लीव्स वाला लुक भी आप इसके साथ ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। सो आप देखिए इसका ब्लाउज पीस किस तरह का है। दोनों तरफ बॉर्डर आएगा, पूरे में छोटी बड़ी बूटियां हैं। बैक साइड से आप क्वालिटी देखो, बैक साइड से क्वालिटी भी एकदम फाइन है। प्लस इसका जो कलर है ना, काफी प्यारा रेड कलर है, मरूनिश टोन पर नहीं है, एकदम जो ब्राइट रेड होता है ना, वो इसका कलर है। पल्लू की अगर मैं बात करूं तो ये आप देखिए कितने रिच और रॉयल लुक में इसका पल्लू है। रेड के साथ आपको प्रॉपर गोल्डन नहीं मिल रहा है, हल्का सा जो रोज गोल्ड, हल्का सा नहीं, जो रोज गोल्ड टोन होता है ना, वही इसका टोन है। तो पहनने के बाद काफी ज्यादा खूबसूरती लगी। और ये इस तरह की साड़ी है जो हर एक एज ग्रुप में पहनी जा सकती है। लाइक जरूरी नहीं है कि न्यूली वेड के लिए है, मतलब शादी के बाद तो पहनी जाएगी बिकॉज रेड कलर है। अनमैरिड पर तो रेड थोड़ा सा कम अच्छा लगता है साड़ी में स्पेशली। तो ऐसा नहीं है, मतलब इसे आपकी मम्मी या फिर कोई और घर में कोई भी ट्राई कर सकता है। ऐसा ही पीस है और बहुत कंफर्टेबल है। प्लस ये आप देखो, इसका बॉर्डर भी छोटा सा है। काफी सारे लोग ये डिमांड करते हैं कि बहुत ज्यादा ब्रॉड बॉर्डर की साड़ी ना हो, वरना प्लीट्स बनने में, जो प्लेट्स बनाते हैं पल्लू की, उसमें प्रॉब्लम आती है। सो यस, एकदम छोटा सा बॉर्डर है, बाकी पूरी साड़ी एकदम प्लेन आएगी। और ये है इसका बॉटम बॉर्डर, प्लस इसका टैग भी मैं आपको दिखाई देती हूँ, उस पर टैग लगा हुआ था। और लुक इसका आपको ट्राई ऑन में क्लियर हो गया होगा। पूरी साड़ी सेंटर से एकदम प्लेन आएगी, दोनों तरफ ये बॉर्डर आएगा। सो यस, ये है इस साड़ी का एग्जैक्ट लुक। फैब्रिक में कोई कमी नहीं है, फैब्रिक इसका काफी अच्छा और चिकना सा फैब्रिक है, मतलब वो जैसे सॉफ्ट सा फैब्रिक होता है ना सिल्क का, उसी तरह का इसका फैब्रिक है। सो यस, एक बढ़िया सा प्रोडक्ट है। इसके साथ जो अगर मैंने ज्वेलरी वगैरह, फिलहाल मुझे याद नहीं है मतलब मैंने क्या क्या पहना था, जो भी मैंने पहनी है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, जहां से आप उन्हें भी खरीद सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ अगेन एक और ब्यूटीफुल सी साड़ी, और ये थोड़ा गर्लिश लुक में है। एक रेडी टू वियर साड़ी है। रेडी टू वियर साड़ी के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं। और रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट्स पोस्ट किया था जिसमें मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, उसके लिए बहुत सारे कमेंट आए। तो कुछ उस तरह का लुक भी मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बाकी ये एक रेडी टू वियर साड़ी है। ये है इसका ब्लाउज पीस, ये आप देखेगा पूरा ही फ्लोरल प्रिंट में है। और इसका जो ब्लाउज पीस है ना, वो अप्रोक्स 1 मीटर है। तो इसमें से आपकी फुल स्लीव्स आराम से निकल जाएंगी, प्लस इसमें पूरे में आपको ब्रासो वाली डिटेलिंग मिलेगी, अगर आपको दिखने से क्लियर हो रहा है तो। बाकी आप कॉन्ट्रास्ट में पहनना चाहें तो इसके साथ कोई भी मजेंटा या ग्रीन कलर का ब्लाउज भी मिक्स एंड मैच कर सकते हो। अब जैसे कि बता चुकी कि ये साड़ी जो है रेडी टू वियर साड़ी है, तो इस साड़ी में आपको मिलेगी कुछ इस तरह की बेल्ट। अंदर की तरफ है ये हुक, और मतलब अपने वेस्ट पर ड्रेप करके ये जो है ना, ये सारे हुक्स हैं। अपने साइज के अकॉर्डिंग आप इस तरह से इसे एडजस्ट कर सकते हो, मतलब जितनी भी आपकी वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। और अंदर की तरफ बंधने के लिए ड्रॉ स्ट्रिंग भी है, जिससे कि जो अंदर वाला पोर्शन है ना, मतलब ऐसा नहीं हुक लगा के अंदर वाला पोर्शन ऐसे गिरेगा, वो भी सिक्योर रहेगा, उसके लिए भी ड्रॉ स्ट्रिंग दी गई है। साड़ी की लेंथ अच्छी है, मतलब काफी अच्छी इसकी लेंथ है। ऐसा नहीं है कि पहनने के बाद पल्लू के लिए जगह कम बचेगी, छोटी है, उस तरह की नहीं है। पल्लू भी इसका काफी बड़ा है, फ्लोरल प्रिंट है। तो इस तरह की जो साड़ी होती है ना, समर में बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। पूरी पर आपको ग्रीन कलर का छोटा सा बॉर्डर वाला लुक मिलेगा,
ऑल इन ऑल एक अच्छा पीस ये है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है जहां से आप इसकी इजिली शॉपिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट पीस अगेन एक और ब्यूटीफुल सी साड़ी, मरून कलर में कुछ ढूंढ रहे हैं। अच्छा, मरून आपने काफी सारी साड़ी ट्राई की होंगी, बट मैंने फर्स्ट टाइम मतलब ऐसी साड़ी ट्राई की है, क्योंकि मरून और मजेंटा का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और कुछ डिफरेंट मतलब कुछ यूनिक मुझे लग रहा था। फैब्रिक अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत ही ज्यादा अच्छा इसका फैब्रिक है, रेड से कहीं ज्यादा अच्छा इसका फैब्रिक है। फैब्रिक रेड का भी अच्छा है लेकिन इसका और भी ज्यादा अच्छा है। मतलब यार कोई देख के कहेगा नहीं अगर आप इस साड़ी को महंगी बताओगे ना, क्योंकि सिल्क यार मतलब ऐसा लगता है मुझे कि बहुत ज्यादा हाई हाई रेंज में भी आता है, लेकिन इसका लुक भी पहनकर काफी ज्यादा अच्छा आया। बाकी से प्रॉपर तरीके से मैचिंग ब्लाउज के साथ पहना जाएगा तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आप देखो, ये है इसका मैचिंग ब्लाउज। ब्लाउज पीस की जो लेंथ है वो है आई थिंक अप्रॉक्स 1 मीटर तो है ही, ये आप देखेगा, अदरवाइज 90 सेंटीमीटर तो है ही है, वैसे 1 मीटर है। ये इसका फ्रंट लुक है, बैक साइड से भी आप क्वालिटी देखो बिल्कुल फाइन है, कोई भी ऐसा नहीं है कि एक थ्रेड की वीविंग भी इधर से उधर हो। मतलब मुझे तो फ्रंट और बैक बिल्कुल सेम ही लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी इस पर जो आपको ये जरी वीविंग मिलेगी ना, ये भी रोज गोल्ड कलर में है, प्रॉपर एकदम वो भड़कीली वाली गोल्डन कलर नहीं है, रोज गोल्ड कलर है। सो यस, काफी सोबर ये लगा, ये आप देखेगा। इसके बाद अगर मैं साड़ी की बात करूं तो साड़ी में कुछ इस तरह का बॉर्डर इसका आएगा, बॉर्डर की बैक साइड से क्वालिटी देखो आप, काफी फाइन है। और इस तरह की साड़ी जैसे आप अपनी मदर के लिए, मदर इन लॉ के लिए या घर में किसी और के लिए आराम से खरीद सकते हो, शादी में पहनोगे तो अच्छी लगेगी, बिकॉज एक डिसेंट सा पीस ये है। सो ये है इसका टॉप बॉर्डर, ये है इसका बॉटम बॉर्डर, बाकी पूरी ही साड़ी एकदम प्लेन आएगी। हर एक एज ग्रुप के लिए एकदम परफेक्ट ये पीस होने वाला है अगर आप मैरिड हैं तो। सो ये है इसका एग्जैक्ट लुक, साड़ी की लेंथ विड्थ हर चीज एकदम परफेक्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि प्लेट्स कम बनेंगी या साड़ी की लंबाई कम है, वो चीज इसके साथ आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ब्रांड है इसका छाबरा 555, काफी अच्छा प्रोडक्ट है यार। इसके साथ पल्लू की मैं बात करूँ ना, मतलब इसके साथ नहीं, इस साड़ी के पल्लू की बात करूँ तो ये आप देखिए मजेंटा कलर का इसका पल्लू आएगा, और मतलब बहुत ही ब्राइट सा मजेंटा कलर है, एकदम अच्छा लग रहा था, बहुत ही रॉयल लुक इसको पहनकर आएगा, क्योंकि ये आप देखो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी, डिजाइनिंग बहुत प्यारी है। सो यस, एक अच्छा सा डिफरेंट सा पीस है, डिफरेंट इसलिए क्योंकि कॉम्बिनेशन है, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, अगर आपने ट्राई किया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सो यस गाइस, छोटा सा कलेक्शन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, और बाकी काफी सारा इस तरह का कलेक्शन आएगा। अभी जो कुछ मैंने पिक की है वो सीक्वेंस की साड़ी पिक है, जिनका रिव्यू जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही रीजनेबल रेंज में वो होने वाली है। बस आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा, पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा यार, आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।